इतिहास वो है जिसे विशेष दिन पर याद किया जाता है, जैसे किसी का जन्मदिन, किसी दिन घटी कोई बड़ी घटना। कई बार इतिहास के दिन को याद कर खुशी महसूस होती है, लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इतिहास में भी कोई दिन खुशी से याद करने लायक होता है तो कोई दिन दुख देता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज यानी 24 सितंबर के इतिहास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 24 सितंबर 2002, ये वो दिन था जब दो आतंकवादियों ने गांधीनगर गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर पर हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 33 लोग मारे गए थे और लगभग 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अक्षरधाम टेंपल अटैक को भारत में सबसे भयानक आतंकवादी हमले में से एक के रूप में याद किया जाता है। आपको बता दें कि हमले के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने हस्तक्षेप किया और अगले दिन घेराबंदी खत्म कर दी, जिसमें दोनों आतंकवादी मारे गए, जबकि 6 अन्य आरोपियों को बाद में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पोटा अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 को मौत की सजा सुनाई और 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर मुहर लगाई थी, लेकिन मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया था। इस मामले की जांच करने वाली एजेंसी को लापरवाही बरतने के लिए कड़ी फटकार भी लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अभियोजकों ने दावा किया था कि आरोपियों में से कुछ के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंध थे, लेकिन इसे वे अदालत में प्रमाणित नहीं कर पाए। चलिए आज के इतिहास में आपको 24 सितंबर से जुड़े इतिहास के बारे में ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। 1950 में महेंद्र अमरनाथ का जन्म हुआ। वे भारतीय पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान क्रिकेट विश्लेषक हैं। 1951 में माथुर रामकृष्ण गोपा कुमार का जन्म हुआ। वे भारतीय फिल्म केरल के टेलीविजन अभिनेता हैं। 1957 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी का जन्म हुआ। वे इतिहास की 8वीं महिला न्यायाधीश और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश की 3री महिला न्यायाधीश हैं। 1966 में राजेश भट्टर भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता और पटकथा लेखक का जन्म हुआ। 2014 को भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बना। 2018 में हिमालय के पहाड़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत का 100वां हवाई अड्डा पाकयोंग एयरपोर्ट को खोला गया। तो ये थे आज के इतिहास यानी 24 सितंबर के इतिहास से जुड़े कुछ अहम पहलू। ऐसे ही इतिहास के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद। We'll be right back.